ये है एपी न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं आखर प्रहरी, खबरों की पड़ताल तह तक। बहुजन समाज पार्टी के जिलाध्यक्ष को नामजद दबंगों ने जाति सूचक संबोधन के बाद पिटाई कर दिया। घटना भोजपुर जिले के आयर थाना क्षेत्र अंतर्गत इशारी बाजार का बताया जा रहा है। घटना के विषय में पीड़ित नेता ने क्या बताया, आप भी सुन लीजिए। मैं घर से मीटिंग के लिए मैं जगदीशपुर जा रहा था, इशारी बाजार पर एक व्यक्ति मिल गया, उसे मैं बातचीत कर रहा था, तो उसी क्रम में एक लड़का आया कि क्या तुम्हारा घर बनाव है, तो मैं बोला कि हाँ मेरा घर बनाव है, तो तब तक मेरा कॉलर पकड़ लिया, बोला कि रुको तुमको हम लोग बताते हैं, समाज से नेता बनता है। तब तक उसके और पांच अज्ञात साथी वहाँ पहुँच गए, हमसे उलझ गया, हमको कॉलर पकड़ करके तब तक उन लोगों ने लाठी डंडा हथियार से लैस था लोग, तब तक हमारे ऊपर डंडा से वार किया, तो मेरा बाएं हाथ में काफ़ी चोटें आई हैं, पीठ में चोटें आई हैं। तब ग्रामीण के सहयोग से मैं वहां से भागे, किसी तरह से जान बचाकर मैं आयर थाना को सूचना दिया। सूचना देने के बाद वहां तुरंत फोर्स पहुंचा, उसमें मेरा जान से मारने की नीयत से उन लोग हमला किया, उसमें जो कि एक अपराधी गिरफ्तार हुआ है, उसका नाम है ज्वाला सिंह, पिता विजय सिंह, वो ग्राम कुसमा का है, और पांच अज्ञात जो है वो फरार हो गया है। यही मेरा पुलिस प्रशासन से मांग है कि उसको तत्काल कानूनी कार्रवाई किया जाए। वो शराब भी पिया था, वो मेडिकल रिपोर्ट में शराब की पुष्टि हो चुकी है। मैं यही प्रशासन द्वारा मांग करता हूँ, यहाँ जिला प्रशासन मैं डीएम साहब से भी मांग करता हूँ, वो और पांच अज्ञात अपराधियों को जल्द गिरफ्तार करें। आपका नाम? मेरा नाम रविंदर कुमार, मैं बहुजन समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष के पद पर हूँ, मैं आरा भोजपुर बिहार।